नमस्ते एवरीवन, दिस इज संदीप एंड वेलकम टू माय चैनल ओनली स्टडी बाय संदीप धीमान। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेसन नंबर 9 के 5 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। हिस्ट्री का ये लेसन है और इसमें हम ऑप्शंस को भी साथ में डिस्कस करेंगे, तो इन 5 क्वेश्चन से लगभग हमारे 15 क्वेश्चन जो हैं कवर होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 है फाइंड द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है आपने। तो देखो, फर्स्ट है हमारे पास द मेडिवल पीरियड इन यूरोप इज फ्रॉम 5th to 15th century CE। बिल्कुल सही बात है ये। 5वीं से लेकर 15वीं शताब्दी तक मेडिवल पीरियड है यूरोप में, लेकिन भारत में ये 8th to 18th century है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाती हैं यहाँ पर, ठीक है। मेडिवल पीरियड की बात हो रही है, बहुत से लोगों को नहीं पता होता है कि मेडिवल का पीरियड कहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो मेडिवल पीरियड हम इंडिया की बात करें तो 8th से पीछे पीछे का जो था वो एंशिएंट हिस्ट्री थी, 8th to 18th जो है वो मेडिवल हिस्ट्री है, और 18 से आगे मीन्स जो 1757 की प्लासी की लड़ाई थी उसके बाद से ही हम काउंट कर सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री को। वैसे 1870 बाद की जो है उसी को कंसीडर किया जाता है मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट है पृथ्वीराज रॉसो वाज रिटन बाय पृथ्वीराज चौहान। जी नहीं, ये स्टेटमेंट जो है गलत है। पृथ्वीराज रॉसो जो है ये पृथ्वीराज के बारे में है, लेकिन इसको लिखा है चंदवरदई, ठीक है। तो इसको आपने ध्यान में रखना है, ये इसने नहीं लिखी है। तो इस तरह से देखो, 3 क्वेश्चन हमने एक में ही कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन इज़ नॉट करेक्टली मैस्ड। तो इसमें भी तीन क्वेश्चन हम देखेंगे। पहला ऑप्शन जो है तहकीक ए हिंद इट इज़ रिटन बाय अलबरूनी। यस, इट इज़ करेक्ट, अलबरूनी ने तहकीक ए हिंद लिखा है। नेक्स्ट है आईने अकबरी को लिखा है अबुल फजल ने। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बता देता हूँ, हमें अकबर जो था वो अनपढ़ था, ठीक है, तो उसकी जो है अबुल फजल ने लिखी है। अगर दो ऑप्शन फैजी भी हो साथ में तो उसको भी हम बोल सकते हैं, अबुल फजल और उसका भाई जो फैजी था, इन दोनों ने मिलकर लिखा था वैसे इसको, लेकिन इसी का नाम जो है मोस्टली लिया जाता है। नेक्स्ट है तुजक ए बाबरी, तो इसको बाबर ने लिखा था, ये भी बिल्कुल सही है। इसके साथ ही बता दूं मैं आपको, तुजक ए जहांगीरी ये जहांगीर की आत्मकथा थी, और ये वाली जो है ये बाबर की आत्मकथा है। इसको इसने टर्किश लैंग्वेज में लिखा था, बाद में इसका अनुवाद जो है पर्शियन लैंग्वेज में किया गया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, द नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन। तो नेशनल आर्काइव जो है वो इंडिया में दिल्ली में है, ठीक है, तो इसमें राइट आंसर दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट है द लैंग्वेज ऑफ आईने अकबरी इज, तो आईने अकबरी की लैंग्वेज जो है वो पर्शियन है। देखो, बाबर के टाइम में जो था उस टाइम वो टर्किश या अरेबिक ये लैंग्वेज चलती थी, लेकिन बाद में ये पर्शियन लैंग्वेज थी, ऑफिशियल लैंग्वेज थी मुगलों की। तो मुगलों की अगर ऑफिशियल लैंग्वेज से क्वेश्चन बनता है कि मुगलों की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी, तो पर्शियन थी, ठीक है। नेक्स्ट है इबन बतूता मार्क पोलो एंड वर्नियर ये कौन थे राइटर्स थे। जी हाँ, राइटर तो थे, लेकिन ये एक्चुअल में बिल्कुल राइटर नहीं थे। अम्बेसडर्स थे, बिल्कुल नहीं, अम्बेसडर्स तो बिल्कुल भी नहीं थे। ट्रैवलर्स, जी हाँ, ये बिल्कुल ट्रैवलर थे, ठीक है, रूलर भी नहीं थे ये। इन्होंने राइट किए हैं अपने ट्रैवलर अकाउंट्स, इनको राइटर नहीं बोल सकते हम, ये ट्रैवलर थे और इन्होंने ट्रैवलिंग अकाउंट्स लिखे थे, ठीक है। तो आज के लिए यही 5 क्वेश्चन थे, होपफुली आपको ये सारे क्वेश्चन जो हैं अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और एग्ज़ाम में अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो आप इसको अच्छी तरह से अटेम्प्ट करके आएंगे। बने रहिएगा चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और लाइक एंड शेयर कीजिएगा वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।